हमार से आप लोग तो आदिवासी का नेता क्यों बन रहे बताओ तो, हमार से आप लोग तो आदिवासी का नेता क्यों बन रहे बताओ तो, हम लंड बन गया आदिवासी के नेता बन गया, बोलते बड़ा मारेंगे साले गाड़े फाड़ देंगे, लंड बन नहीं देगी पुलिस तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास न्याय मांगेंगे, किसके पास न्याय मांगेंगे। सही बात है, हम उनसे इसीलिए आदिवासी का नेता मत बनिए, ये फाड़ देंगे वो फाड़ देंगे आपको। 24 के आखिर में हमारा विधानसभा का चुनाव है, उसमें हम अपने वोट के माध्यम से उनको पटकनी देने का काम करेंगे। अगर संसद में विधानसभा में अगर नहीं उठाएगा तो हम उसको उठा के पटकने का काम करेंगे। 2024 के आखिर में जो चुनाव होने वाला है हम उसको बदलने का काम करेंगे। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज, आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग आदिवासी जनपरिषद के तरफ से महा ये अधिकार मंच का रखा गया है, जो कि अधिकार मंच में ये क्या क्या अधिकार को लेकर जाने और क्या क्या आदिवासी को अधिकार देना चाहते हैं हम लोग बारे। अभी जो महा अधिकार मंच आप लोग रखे हैं, इसे क्या समझ में आ रहा हम लोग को? इस महा आदिवासी महासम्मेलन का जो मतलब कार्यक्रम किए हैं, बहुत से लोग जैसे हैं कि हम लोग का मूल अधिकार और मौलिक अधिकार के बारे में लोग नहीं जानते हैं, इसके विषय में हम लोग को मतलब सबको जागरूक करना है। और सरकार जो है ना हम लोग के खास करके आदिवासियों के प्रति जो छलावा कर रही है और छलने का काम कर रही है, और सिर्फ वोट का एक बनाया है, वोट का मुद्दा, और उसके में सब आदिवासियों के साथ और मूलभूत अधिकार से वंचित करके और सिर्फ छलने का काम कर रही है। आप बताओ मेरे को, आपका 28 विधायक है झारखंड में, हाँ है, तो 28 विधायक तो क्या कभी जब से देश आजाद हुआ है अधिकार किसी को बताया नहीं क्या? हमने आदिवासी अधिकारी विधायकों के साथ मिला भी हूँ, उन लोगों के साथ अपना तकलीफ भी रखा हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक संतावना दे करके खाली बोलते हाँ हो जाएगा, हम लोग करेंगे, आपका काम हो जाएगा, मतलब बस एक खाली संतावना मतलब दे करके और मटिया देते हैं मतलब। अरे हाँ, झारखंड में चुन के आते हैं आपको मालूम है, हर 5 साल में आते हैं, मतलब हर साल नहीं होता है, वही ना, हर 5 साल में जब चुनाव होता है, हर 5 साल में जब चुनाव होता है, उस समय तो यही बोल रहे हैं कि हम लोग गांव के सुदूर इलाकों से। तो क्या उन सभी विधायक आदिवासी विधायक लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे, अधिकार मंच रखे हैं, महासम्मेलन रखे हैं, अधिकार मंच जो रखे हैं, और इस अधिकार मंच के द्वारा हम यही सभी जो आदिवासियों के हित में तो बात करते हैं, लेकिन आदिवासियों का कोई हित का काम नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के चलते सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए मतलब करते हैं, लेकिन जो भी जीत करके जाते इस बार आप जवाब देंगे, इस बार तो जवाब देंगे, खुलकर जवाब देंगे। क्या नाम है आपका? शंभूराम बेदी। कहां से? हाकेदाग से। चलिए, इस बार जवाब देंगे बोल रहे हैं, काहे कि आदिवासी लोग अपना अपने आप को निकालते हैं, अपने परिवार को बढ़ाते हैं, इस प्रकार को इनका कहना है, हमारा नहीं है। जिस प्रकार से आप लोग तो आदिवासी का नेता क्यों बन रहे हैं बताओ तो? आदिवासी 75 साल से हमारा शोषित होते जा रहा है, आदिवासी का नेता नहीं, मैं उनको हक अधिकार के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, ताकि उनको पढ़ाई लिखाई करके उनका जो मौलिक अधिकार है वो जान सके, और जो हमारे संविधान में लिखित है वो पढ़ करके वो सरकार हो, विधायक हो, चाहे हमारा कर्मचारी अधिकारी से उनसे लेकर हम उनसे इसीलिए आदिवासी का नेता मत बनिए, ये फाड़ देंगे वो फाड़ देंगे आपको। फाड़ने वाला हमारे सामने आएगा तब ना, अगर सरकार अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है तो हमारा आदिवासी समाज पहले आपको बोला फाड़ देंगे, वो बोला अलग की बात है, लेकिन हमारे सामने अगर वो बात करता है तो आप ही के सामने काम करेंगे। अगर वो अपना कहा हुआ बात को अगर आपस नहीं लेता है तो हमारा आदिवासी समाज उस अधिकारी के खिलाफ एक उसके ऊपर कार्रवाई करे, अन्यथा ये एक चेतावनी है। आपको हम आपको बदला लेने के नहीं बोल रहे हैं, इसको कानूनी कार्रवाई कब हो रहा, कब होगा? आपका सरकार, आपका जो 28 विधायक जो झारखंड में है, वो कानूनी कार्रवाई कब करेंगे वो बताओ? अगर हमारे 28 आदिवासी विधायक अगर हमारी बातों को नहीं सुनता है तो अभी चुनाव नजदीक है, 2024 के आखिर में हमारा विधानसभा का चुनाव है, उसमें हम अपने वोट के माध्यम से उनको पटकनी देने का काम करेंगे। अगर हमारी हक अधिकार की बात नहीं करेगा और हमारे आदिवासी समाज के ऊपर जो शोषण हो रहा है उसका अगर संसद में विधानसभा में अगर नहीं उठाएगा तो हम उसको उठा के पटकने का काम करेंगे। 2024 के आखिर में जो चुनाव होने वाला है हम उसको बदलने का काम करेंगे। बिल्कुल,
बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है जिस हिसाब से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि कल ही एक पुलिस पदाधिकारी के द्वारा आदिवासियों को जबरदस्त रूप से गाली दिया गया है। लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं, सरकार से पूछना चाहते हैं, सरकार के तमाम विधायकों से पूछना चाहते हैं, क्या इन सभी पुलिस के ऊपर कब कार्रवाई होगा, ये सवाल बनता है। अच्छा, ये सवाल कार्रवाई करने के लिए क्या आप लोग आदिवासी संगठन हो, आपका विधायक हो, आवाज उठा रहे हैं आप लोग? हम लोग निश्चित तौर से उठाएंगे। हम एक एक हमारा सामाजिक तौर पर एक एक आदिवासी संगठन के माध्यम से हम डीजीपी हो चाहे मुख्यमंत्री गृह विभाग के माध्यम से हम एक ज्ञापन सौंपेंगे, उनको अल्टीमेटम देंगे। अगर समय निर्धारित समय के आधार पर अगर कार्रवाई उस पुलिस अधिकारी के ऊपर नहीं होता है तो हम आदिवासी समाज गुलगुलान करने के लिए और सड़क जाम करने के लिए हम लोग तैयार हैं। ठीक है, कहाँ से हो आप? मैं सिल्ली हकेदक पंचायत। और पंजीया नाम बता। लखीचरण मुंडा, आदिवासी जन परिषद, रांची जिला महासचिव। बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने कि हम आदिवासी समाज के जितने भी नेता है उन लोगों को बताएंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजन पात्र मुंडा। आज जो आप क्या रखे हैं, आदिवासी अधिकार महासम्मेलन, ये महासम्मेलन क्यों करने का जरूरत पड़ रहा? क्योंकि हम लोग आदिवासी को बहुत कमजोर बेसहारा समझा जा रहा है। हम लोग आदिवासी कमजोर नहीं है, डरे हुए नहीं, हम लोग को अपना अधिकार लेना है, लड़ना है। हम आदिवासी एकता जिंदाबाद रखेंगे, रहेंगे, हम लोग का परंपरा यही है। क्या आपका जो विधायक है क्या सही काम कर रहे हैं कि कैसे? नहीं नहीं कर रहे हैं। कैसे क्या करना चाहिए? हमारे आदिवासियों को अनदेखा किया जा रहा है। हम हमारा आदिवासी भाई लोग को मैंने वोट का टाइम मैंने पैसा लेने के चक्कर में पैसा देकर निर्भर करते हैं। इस तरह का हम लोग को बहुत अत्याचार हो रहा है। हम लोग अत्याचार हो रहा है आपके ऊपर? हम लोग का हो रहा है। तो विधायक भाई जी कैसा अत्याचार होगा? अत्याचार है, विधायक जी रहने चुका होगा। हम लोग का अत्याचार हो रहा है, हम लोग आदिवासियों को एकता कर और आदिवासियों को कमजोर समय नहीं दे रहे हैं। हम लोग आदिवासी चलो ठीक है, इतने धन्यवाद। क्या कहाँ से हो? हम पतरातू से बोल रहे हैं। क्या पतरातू में बदलाव होगा? एकदम होगा। आइए, एक बुजुर्ग है, बहुत ही एक्सपीरियंस है इनके ऊपर, बहुत ही इनको बोलने का मन है, इनको बुलवाते हैं, क्या बोलता है? अधिकार सम्मेलन जो रखे किस लिए रखे? आज अधिकार सम्मेलन जो रखे हैं, हम लोगों का जन जंगल जमीन को नदी नाला को छीनने दे रहा है दलाली लोग। यहाँ पे जो विधायक लोग है ना, अपना बड़ा करोड़पति कार्ड में आदिवासी और यहाँ का दलित लोगों को सबको ठोकने का काम कर रहा है। आज बाली माफा कपड़ा बेच के ESP बनाया है। आज आदिवासी सम्मेलन में इसीलिए जो अधिकार यहाँ का जो है अधिकार मत जो बनाया, सिर्फ अपने लिए नहीं आदिवासी के लिए भी विधायक है। आदिवासी के लिए विधायक नहीं है, अभी तक आदिवासी को खाली छिनता ही काम कर रहा है, वोट डालो शासन को काम करता है यहाँ का। तो आपका भी विधायक है जी, आप सुदेश को वोट दिए ना? हम उसको वोट नहीं देते हैं, हम दूसरे को वोट देते हैं, लेकिन सुदेश मां तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक तो हमने उनका कुछ काम नहीं, आज यहाँ का बालू लूट हो रहा है। अमित मां तो कैसे था? अमित मां तो जालसाजी से फंसा गया है। आज यहाँ का जो सरकार जो आया है यहाँ को अमित महतो को फंसा गया है। उसके बाद हेमंत सोरेन को जो आदिवासी का हित में जो काम कर रहा था, RSS लोग यहाँ का जन जंगल जमीन लूटने के लिए, यहाँ का गैस देखने के लिए नरेंद्र मोदी जो भोंक रहा है 15 करोड़। आपको इतना नॉलेज कैसे हो गया? हम तो होटल में काम करने के बाद नॉलेज हुआ है रांची में, लेकिन यहाँ का नरेंद्र मोदी से नरेंद्र मोदी को इस वो तो दुनिया में नाम ऊंचा कर रहा है। हम लोग का जहाँ आदमी है वहाँ फोटो लेने जाता है, वो तो बदमाश है। जहाँ हम लोग का आदमी जहाँ है ना भारत का वही फोटो। अच्छा, अच्छा सुनिए तो ये लोग जो है सारे क्या हो रहा? आज सारे लोग हम लोग का आदिवासी को ठोकने का काम कर रहे हैं। सरना कोर्ट लागू नहीं कर रहा, यहाँ का जो नीति जो बना रहा है, बड़ा बड़ा कंपनी का लाएगा, बेघर करेगा। 80% यहाँ का जो लाया है बाहर का आदमी नरेंद्र मोदी जी, आज हम लोग का सरना कोट क्या ना? सरना कोट आपको चाहिए? हाँ चाहिए, सरना कोट नहीं होगा तो जन आंदोलन। बहुत बढ़िया बात है, इनको सरना धर्म कोट चाहिए। और बहुत क्या नाम हुआ? मेरा नाम जीतू पदर मुंडा, हजम पंचायत का घर है मेरा। चले, बहुत अच्छी बात है, आगे भी आगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या, आप तो दे लग रहा है धोती उती पहना है, मुंडा लग रहे हैं, आदिवासी लग रहे हैं, क्या संदेश देंगे आप? हम देंगे यही देंगे। अच्छा अच्छा, हम यही संदेश देंगे कि हम लोग का समाज आगे बढ़े। सरकार तो यहाँ हम लोग को ठोकने का काम कर रही है। सरकार आपका है? हाँ, तो फिर भी हम लोग को कुछ नहीं दे रहा है। कुछ नहीं दे रहा?
नहीं कहे की 28 विधायक आपका है, 28 विधायक रहने का होगा, हम लोग का शिक्षा का कोई विकास नहीं है, संविधान में लिखा हुआ 28 विधायक बनेगा आपका, 28 विधायक है चाहे नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री भी आपका है, हाँ है लेकिन हम लोग का आदिवासी को देख रेख करने वाला कोई नहीं है, कैसे ऐसे ही हम लोग का गांव का कौन यहाँ हम लोग का दबाया जा रहा है कि हम लोग दबे कुचले आदमी है यहाँ कोई हम लोग का घर, आपका विधायक आपके क्षेत्र में लोगों को ठेकेदार बना रहा, हमारे यहाँ का विधायक है सुदेश महतो, मैं कोई भी हो हाँ बना रहा आदिवासी लोगों को, नहीं डॉक्टर बना रहा, नहीं क्यों नहीं बना रहा भाई, क्यों नहीं बना रहा है तो वो उसका मतलब क्या है वो तो वो समझेगा, यहाँ डॉक्टर नहीं आए कोई शिक्षक नहीं आए तो यहाँ ग्राम का भी विकास भी हमें नहीं दे रहा है, बोलो क्या है क्या सीखने आया तुम बताओ, क्या सीखा वहाँ से मालूम नहीं है, क्या सीखा यार, क्या सुना बताओ, आदिवासी करने के आदिवासी सिर्फ सुना और क्या सुना, आपका क्या क्या अधिकार है, अधिकार बेचारा इनके ऊपर ये जवान है लेकिन ज्ञान नहीं है, इनका दोष नहीं है, दोष इनका है जो हमारे जो प्रतिनिधि जो भेजे गए हैं और जितने भी बड़े लोग हैं वो लोग दोषी है, ये इसके दोषी नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, तो इसी के साथ जो ये आदिवासी अधिकार महासम्मेलन में का वीडियो लगातार आते रहेगा पब्लिक एक्शन न्यूज में, अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।